हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आए हैं आज ओपरी मिल्स। यहाँ का बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल है और आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ पे कितने सारे स्टोर्स हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। आप कहीं भी कोई भी कॉर्नर में पार्क कर सकते हैं गाड़ी। इसकी मल्टीपल एंट्री भी है मॉल के। हम लोग मॉल के एंट्री के साइड जा रहे हैं। हम लोगों ने मास्क पहन रखा है क्योंकि फिर से दोबारा से यूएस का केस बढ़ने लगा है। ये देखिए कॉफी मिल का। ये थर्ड नंबर डोर है जिससे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। नैशविल का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। टैक्स फ्री डे है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिल रहा है। ये बहुत ही काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट है। ऑफ ब्रॉडवे शूज स्टोर है। तो इस बोर्ड में आप सारे स्टोर्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में जाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर स्टोर जाने के लिए। यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और ये एक सिंगल फ्लोर पे ही पूरा मॉल बना है। तो हम लोग हैं बिलो 5 स्टोर में। यहाँ पे आपको $5 से नीचे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हमें इतने कम बजट में क्या क्या मिल सकता है। एवरीथिंग इज अंडर $5। देयर सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। ट्रेन है जो पूरे मॉल में घूमता रहता है। काफी छोटे किड्स को बिठा के घुमा सकते हैं। बनाया गया है अभी टेम्पररी क्लोज। अभी तो टेम्पररी क्लोज है ये कोरोना की वजह से, बट आज भी बहुत ही क्राउड है यहाँ पे क्योंकि अभी टैक्स फ्री डे चल रहा है और वीकेंड भी है। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स मिल जाएंगे आपको, जैसे गुची का, टकीला का। डिज्नी का भी आउटलेट है। आज देखिए भाई इतने ज़्यादा क्राउड हो रहे हैं यहाँ। आज तो बड़े दिनों बाद मैं इतना क्राउड देख रही हूँ। यहाँ
मैचर नूडल का भी ऑफर है। और ये यहाँ का फूड कोर्ट है। अगर कोई इस मॉल को पूरा घूमना चाहता है और कुछ शॉपिंग करते हुए यहाँ से अगर जाएगा तो कम से कम 5 to 6 hours तो यहाँ पे घूमने में लग ही जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप अपने 3D फोटो फ्रेम्स भी बनवा सकते हैं। लिवाइस का आउटलेट और इसके साथ ही है क्रॉफ्ट का आउटलेट, तो ये काफी यहाँ पे सॉलिटेयर का भी शोरूम है। तो ये रहा फॉरएवर 21 का स्टोर। यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ खास ही ध्यान रखा गया है। जैसा मैंने पहले दिखाया है, यहाँ पे प्ले एरिया भी था, टॉय ट्रेन भी था और अब ये। यहाँ पे केट स्पेड का भी स्टोर है। यह है पेपर पैलेस। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के सॉसेस मिल जाते हैं, जैम्स है यहाँ पे, ऐसी वैरायटी जो आपने कभी नहीं देखी। तो हम चल रहे हैं वापस, हमारी शॉपिंग कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 hours के बाद अब हम घर को वापस जा रहे हैं। कैसा लगा हमारे साथ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।